Hi mom. Good morning, dad. Good morning. Have some breakfast. Breakfast तो मैं भी लाई हूँ. आपको दो बिरयानी. आप लोग बिरयानी खाते हैं ब्रेकफास्ट में बेटा? हाँ, वो कड़ी चावल खत्म हो गए थे ना. Finally. Anyway, mom, dad, आज सुबह रोसेश ने हमें 3:30 बजे जगाया. वायलिन बजा के? नहीं, डोरबेल बजाकर. Oh my! वो सुबह 3:30 बजे CDs मांगने आया था. And mom, सुबह 6:30 बजे तक वो CDs चुन रहा था. 350 गाने सुने उसने टुकड़े टुकड़े में. और फाइनली जब 350 गाने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया और रूम से बाहर निकलकर उसका खून करने के इरादे से वहां पहुंचा तो उसके हाथ में ये बोतल. क्या है ये? चूहे मारने की गोलियां. What? Oh my God! ये कहां से मिली उसे? वो मैंने घर में चूरन की बोतल रखी थी ना, उसके बाजू में से. हिंदू, इसका मतलब समझते हो तुम? मोनिशा के घर में चूरन चेक करके खाना चाहिए. हाँ, वो तो है ही, मगर दिस मींस दैट रोसेश सुसाइड करने की सोच रहा है. रिलैक्स रिलैक्स मॉम, मैंने रोसेश से बात की है. ही इज नॉट सुसाइडल, वो बस नींद लाने के लिए इसमें पड़ी गोलियां गिन रहा था. अरे, उस इडियट को नींद लाने के लिए चूहे मारने की गोलियां ही मिली गिनने को. तो सोफा पे पड़े कपड़े गिन सकता था वो, दुकान लगी रहती है वहां. बौखला शुक्ला जाके चौकला, ऐसे 16 ऑप्शंस दिए मैंने. माया 30 ऑप्शन ऑलरेडी दे चुकी है. मैंने भी ऑप्शंस दिए डैडी जी. सरगम संगम अभिगम. सरगम संगम अभिगम, ये सब खोखला के साथ राइम होते हैं मानिशा. नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो खोखला वर्ड ही चेंज करने को कहा था. रियली? तो कौन सा शब्द चुना था तुमने खोखला की जगह में? च्युइंगम. वाह, क्या बात है माया, क्यों जीवन है मेरा च्युइंगम. डैडी जी, इस वक्त रोसेश भैया क्या कर रहे हैं? अपना वायलिन ट्यून कर रहा होगा. माया, मैं तो कहता हूँ अगर चैन से सोना है ना तो उसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए. नहीं नहीं, एंटीक वायलिन है वो. अरे वायलिन नहीं, रोसेश को उठा के फेंक देना चाहिए. डैड प्लीज बी सीरियस. मॉम, रोसेश को हम ट्रैंक्विलाइजर्स दे देंगे. नो नो नो, अरे बच्चा है वो. And tranquilizers are dangerous. नहीं मामी जी, मेरी निशी मासी पिछले 10 साल से नींद की गोलियां ले रही है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ. कौन निशी मौसी? अरे वही जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, जिनके सारे बाल झड़ गए हैं, उन्हें तो नींद की गोलियां लेने से बहुत अच्छी नींद आती है. साहिल प्लीज. मोनिशा प्लीज. मामी जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने मंगलू बाबा से मन्नत मांगी है, रोसेश भैया वापस आ जाएंगे ना तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी. आजकल तो 1.25 रुपए में भिखारी नहीं खुश होता, तुम्हारे मंगलू बाबा कहाँ से खुश होंगे. सोनिया कुछ दिखा? वो रुचाट बोल रहा है. Oh my God, मेरा बच्चा अकेला चल रहा है नींद में. नींद में चल नहीं रहा है, 2-व्हीलर पे. सोनिया देख, रोसेश ने हेलमेट पहनी है. नहीं, आस पास कुछ सफेद सफेद है. सफेद कफन. दुष्यंत, शुभ शुभ बोलिए जीजा जी. मामी जी, रोसेश भैया को मेरी उम्र लग जाए. ओके. वैसे कुछ होगा नहीं उन्हें. अरे हम सबको उनकी बारात में नाचना है सड़क पर, है ना? मुझे मालूम है कि रोसेश को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको उसकी बारात में नाचना नहीं है सड़क पर. सो मिडिल क्लास. ओके, 3 अलग अलग साइजेस की डायरीज हैं एंड डिफरेंट एनवेलप्स, गिफ्ट एनवेलप्स. और ये देखो, दिस इज सो स्वीट, जस्ट अ लिटिल थैंक यू नोट और अ कार्ड. हाँ माँ, मैं बाजू वाले घर में हूँ. अच्छा, क्यों? मोनिशा जरा सॉफ्टली प्लीज. मम्मी जी दिली बात करी हो ना. ओह माय. माँ, मेरी सास ने घर में कागज की सेल लगाई है. मोनिशा, हमने रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन किया है, इसे कागज की सेल कहकर के प्लीज इतना डाउन मार्केट मत बनाओ. अभी फोन रख दो तुम. मैं बाद में बात करती हूँ. मैम साहब, सारे एनवेलप खत्म हो गए. लवली, फैंटास्टिक. Paritosh, how nice to see you. How are you? Very well. Okay, auntie, now give me the best writing paper. Sure, let me see. This is the right thing for you. It's a Sharmila Talati design. It's beautiful. Isn't it? How much? Oh, just 950 only. Kya? 950 rupees ka writing pad? Monisha, ye khas special cheeze likhne ke liye hai. I mean, agar Paritosh apni girlfriend ko love letter likhega to ordinary writing paper pe thodi likhega.
राधा बाई 950 ले लो। लेकिन मम्मी जी 950 रुपए, मैं तो साहिल को बस की टिकट के पीछे लव लेटर लिख के देती थी। तो तुम बस की टिकट का एग्जीबिशन कर लेना बेटा। पारितोष, एनीथिंग एल्स? ओह नो 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 आंटी, थैंक यू। अब कविता तो मुझे ही लिखनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, हाउ रोमांटिक। बर्थडे है उसका? ओह नो 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 आंटी, एक्चुअली हमने एक दूसरे को जब पहली बार देखा था उस दिन की चौथी एनिवर्सरी है कल। और तुम्हें याद है? यस, आई एम सो चार्म्ड। ओके बाय आंटी। बाय डार्लिंग, थैंक यू। उसे मेरी तरफ से विश जरूर करना। श्योर, बाय बाय। मामी जी, उसे अपनी पहली नजर की एनिवर्सरी याद है ये सुनकर आप चौंकी क्यों? क्योंकि मर्दों को क्रिकेट मैच कब है और WWF कब दिखाने वाले हैं, इन दो बातों को छोड़ बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। एंड दैट्स फाइन। क्या फाइन? मुझे तो हर इम्पोर्टेंट दिन याद रहता है। हाँ, क्योंकि मर्द और औरत अलग अलग हैं, उनके दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। मैं नहीं मानती। पिछले साल रात को 12 बजे डैडी जी ने आपको एनिवर्सरी विश किया था ना, याद करके। लेकिन उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं थी, इंदु के पापा की डेथ की एनिवर्सरी थी। कोई भी एनिवर्सरी थी, लेकिन उन्हें याद तो था। मोनिशा, डेट्स के मामले में मर्द जरा कमजोर हैं। ये बात मैं अगर तुम्हें प्रूव कर दूं तो, वांट टू बेट? ओके, लग गए 10-10 की। 10? आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखा दूंगी। दैट्स अ चैलेंज। 10,000 रुपए तैयार रखना। 10,000? हाँ। I admit कि मुझे याद नहीं रहता। गुड, लेकिन अब तो बताओ कि आज यानी 24 फरवरी को क्या है? आज वो दिन है जब मैं मोनिशा से 10,000 रुपए वसूल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं शर्त जीत गई। पेडे मोनिशा। मम्मी जी 7,500 चलेंगे? नो, 10,000। चलिए ना आपकी ना मेरी, 8,500। नॉट ए पेनी मोर नॉट ए पेनी लेस मोनिशा, पूरे 10,000। चलो निकालो। अरे मोनिशा, कम ऑन मोनिशा, छोड़ दो। यस यस, दरंतन। बाय द वे मॉम, जरा बताएंगे आप हमें कि शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मुझे साबित करना था कि मर्दों को स्पेशल तारीखें याद नहीं रहती। नहीं रहती तो नहीं रहती, लेकिन ये तो बताओ कि आज है क्या? कुछ नहीं। यस डार्लिंग, 24 फरवरी को कुछ नहीं हुआ है। मतलब डैड रोसेश उस दिन सच बोल रहा था? यानी शर्त जीतने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझे कंगाल। डैडी जी, आपको याद रखना चाहिए था ना कि आज कुछ भी नहीं है। याद रखूंगा मैं, अच्छी तरह याद रखूंगा मैं। How do you say? सारा भाई।